पहाड़ों पर हुई आफत की बारिश ने मैदानी इलाकों में लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। भारी बारिश के चलते नदियों में डैम से छोड़े गए पानी ने फसलें बर्बाद कर दी और अब तक खेतों में पानी भरा है, जिसकी वजह से कुछ किसान अपनी धान की फसलें काटने के बाद उन्हें सुरक्षित स्थानों पर सुखाने के लिए मजबूर हैं। ये तस्वीरें रामपुर की हैं, जहां किसान अपनी बची कुची धान की फसलें नैनीताल हाईवे पर सुखाने को मजबूर हैं, ताकि इसे बेचकर उन्हें कुछ दाम मिल सके और वो फिर से बाढ़ से हुई तबाही को भूलकर एक नई सुबह की तलाश में जुट जाएं और पहले की तरह ही अपनी आने वाली फसलों की बुवाई कर सकें। हाईवे पे हम अपना धान सुखा रहे हैं, ये गीला हो गया था बारिश के कारण और मॉइस्चर कम था, मतलब मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, इसके लिए हम अपना हाईवे पे धान सुखा रहे हैं नैनीताल हाईवे पे। हाँ जी, क्यों सुखाना पड़ रहा है हाईवे पे धान? ये धान इसलिए सुखाना पड़ रहा है, ये बारिश के कारण हमारा धान सारा भीग गया और हमें हाईवे पे आके धान सुखाना पड़ रहा है। तो खेतों में नहीं सुखाया आपने? खेतों में कैसे सुखाते, खेतों में तो पानी अभी बहुत आ रहा है, ऊपर से पानी बहुत आ रहा है, खेत तो बहुत गीले हैं। दरअसल बारिश की वजह से धान की फसल भीग गई, इतना ही नहीं खेतों में अभी पानी है, जिसकी वजह से किसान अपनी फसल को हाईवे पर सुखाते नजर आ रहे हैं। किसानों ने साथ ही शासन और प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है, ताकि उनके नुकसान की कुछ हद तक भरपाई हो सके। सरकार से तो हमेशा ही ये उम्मीद रहेगी कि अगर इतना बड़ा नुकसान हो गया किसान का, तो कहीं ना कहीं पे ग्राउंड लेवल पे आके वो देखें और किसानों को असिस्ट करें। अदरवाइज किसान हमेशा हर एक जो फसल होती है वो उसको पहले ही कहीं ना कहीं पे उधार लेके खर्च कर चुका होता है, और एक ही फसल बर्बाद होने पे किसान जो है बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे आ जाता है, उसके बाद उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं रहती है। हालांकि एडीएम ने आश्वासन दिया है कि प्रशासन बारिश की वजह से हुए नुकसान का आकलन कर रहा है और शासन के आदेशों के अनुसार किसानों की मदद की जाएगी। विगत कुछ दिनों में काफ़ी अतिवृष्टि रही और साथ ही साथ रामनगर बैराज से जो पानी छोड़ा गया, उसके कारण जो कोसी नदी और कुछ रामगंगा के किनारे के हमारे गांव थे, दो हमारे तहसील स्तरीय अधिकारी हों चाहे SDM हों या तहसीलदार के स्तर से बताया गया कि लगभग 180 गांव हैं जो बाढ़ के पानी से प्रभावित हुए, और लगभग जनपद के काफ़ी गाँवों में, जनपद में 1193 गाँव हैं पर लगभग काफ़ी गाँवों में अभी भी खेतों में पानी भरा हुआ है। जहाँ तक क्षति का आकलन है, टीमें लगभग 100 से अधिक जिलाधिकारी महोदय के आदेश पर टीमें लगाई गई हैं और प्रथम दृष्टा लगता है कि किसानों का काफ़ी धानों की क्षति हुई है, जिसमें सभी अधिकारियों का है कि एक हफ्ते में कार्य पूर्ण कर जो वास्तविक क्षति हुई हो ऐसा कोई भी कृषक ना छूटे, जिसको सरकार के द्वारा दी जाने वाली अहतुक सहायता से वो वंचित रह सके। आपको बता दें कि रामपुर में कोसी, रामगंगा, पीला खार और भाखड़ा नदी, जहां कुदरत ने एक वरदान की तरह फसलों को सींचे जाने में अपनी अहम भूमिका अदा की है, वहीं तेज बारिश में ये जब उफनती है तो अभिशाप बनकर किसानों को तबाह बर्बाद कर डालती है। अभी भी यही हुआ जब उत्तराखंड स्थित डैम से पानी छोड़े जाने के बाद इन नदियों ने उफन कर अपना कहर ढाया, तो किसान अपनी फसलों के जलमग्न होने के बाद से बर्बाद हो गए। पंजाब केसरी टीवी के लिए रामपुर से रविशंकर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।